डिक्सन टेक के फ्यूचर्स हैं दीप 3665 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर शॉर्ट करने की राय, खरीदना नहीं शॉर्ट करने। हाँ, एक तो क्या है कि वैसे भी मार्केट है ऐसी जगह जहाँ अगर आपको वाकई में कुछ शॉर्ट करना हो तो लेवल ठीक है, दूसरा स्टॉक निचले स्तर से 300-400 रुपए बढ़ा हुआ भी है, और लेकिन तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से शॉर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप 2-3 दिनों से वो खबरें देख रहे होंगे कि किस तरह से ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सारी चाइनीज मोबाइल कंपनियां जो है उन पर बड़े एक्शन में, उसमें वीवो का नाम सबसे आगे है, और वीवो के साथ इनका ऑलरेडी पीएलआई स्कीम का प्लान भी है, जो मोबाइल बनाने के लिए जो पीएलआई स्कीम आई है उसमें वीवो और डिक्सन का साथ में भी है काम, 20% रेवेन्यू इनका फिर रिस्क पर आ जाता है। अपने गाइडेंस की वजह से एफआईआई की वक्र दृष्टि ऑलरेडी है ही है, तो हालांकि ये जरूर है कि 5,500 से पिटते पिटते 3500-3600 आ गया, लेकिन अभी भी ये जो खबरें आ रही है ये थोड़ा सा और नेगेटिव हो सकता है, और 60 के पीई मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, महंगे पीई मल्टीपल वाले स्टॉक्स के लिए वैसे भी मामला थोड़ा सा मुश्किल है। तो मुझे लगता है यहाँ से भी अच्छी खासी गिरावट की जगह है। हाँ, इन्वेस्टर्स हैं तो उनके लिए अलग बात हो सकती है जो पुराने ऊपर के भाव के लिए बैठे हैं, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए यहाँ पर शॉर्ट करने की राय है। 3700 के आसपास आए तो और बेचिए, 3665 में बेचिए, 3700 के आसपास और बेचिए, आज का हाई जो है उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए, 3745 पार करे तो शॉर्ट काटिए, 3605 पहला टारगेट होगा, टारगेट बड़े में दे रहा हूं आपको, 3605 पहला है, 3560 दूसरा है, 3505 तीसरा है, तीन बड़े टारगेट है, 3605, 3560 और 3505, ये नोट कर लीजिए, स्टॉप लॉस 3745, टारगेट 3605, 3560, 3505, ये तीन टारगेट के लिए डिक्सन में बिकवाली करने की राय। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मामला, और इसी बीच हमारी टीम ये भी बता रही कि एफआईएस की स्टेक लगातार कम हो रही है, और यहाँ पर 20% के आसपास जो स्टेक थी वो घटकर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 16.5% रह गई है, यानी कि 3.5% एफआईएस स्टेक भी कम की, तो अब धीमे धीमे एफआईएस भी बेच रहे हैं एक्चुअली, और हो सकता है इस क्वार्टर के नंबर्स आएंगे तो आपको थोड़ी और स्टेक कम दिखेगी, तो महंगे वैल्यूएशन है और जिस तरह की खबरें दोनों नेगेटिव स्टॉक के इंपैक्ट आ रहा है इस पे। तो थोड़ा डिक्सन में श्योर तो यही है कि स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल रहता है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को एकदम पक्के तौर पर प्लेस हाईलाइट कर रहे थे, हालांकि ऑफ कोर्स डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, कल जब हमने भी आशीष के साथ हाईलाइट किया था कि स्मार्टफोन कंपनीज ने भी लॉन्चेस थोड़े कम कर दिए हैं, इस साल का सेकंड हाफ पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सुस्त रह सकता है, तो फंडामेंटली भी इनके लिए जो ट्रिगर्स हैं उतने सपोर्टिव नहीं है, ऑफ कोर्स अब तो खबर की वजह से, इसलिए ब्रोकरेजेस आप देखिए ना, सब एक के बाद एक एफआईएस ब्रोकरेज डाउनग्रेड भी कर रहे हैं, थोड़ा सा इश्यू भी आ रहा है, बिजनेस को लेकर भी स्लो डाउन है, प्लस ये जो खबर आ रही है करीबन करीबन 20% अगर इनका रेवेन्यू रिस्क पर आता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि बड़ा बात होगा, तो आई थिंक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए मामला खराब होता दिख रहा है। एक बार मैं चार्ट पर राय लेना चाहता हूँ, जरा सचिन जी डिक्सन के चार्ट देखिए अपनी राय दीजिए। अनिल जी एक बेरिश ट्रेंड में ही है, इनफैक्ट पिछले 8 हफ्तों से यहाँ पर लगातार कोशिश हो रही है अपने 5 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग एस्टेब्लिश करने की, एंड काफी मल्टीपल यहाँ पर नैरो रेंज बॉडीज है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर वापस मुझे लग रहा है जैसे 35-40 ये लेवल टूट जाता है तो काफी बड़ी डिक्लाइन यहाँ पर ओपन होगी, मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो अगर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन डिप्लॉय करने हैं तो 3750 के स्टॉप लॉस के साथ डिप्लॉय करने की सलाह होगी, एंड अग्रेसिवली मुझे लग रहा है 3540 जैसे ही ब्रेक होता है उसके बाद और भी पोजीशन ऐड की जा सकती है, इसके जो ओवरऑल स्विंग्स है 3300 के आसपास मुझे लग रहा है वो लेवल वापस रिविजिट जरूर होने चाहिए, भी यहाँ पर वीकनेस कंटिन्यूड रहनी चाहिए, एंड इसके जो इंडिकेटर्स है वो भी यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पा रहे, तो ट्रेंड वाइज तो काफी बेरिशनेस है ऑलरेडी एग्जिबिट हो रही है, तो 3750 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ओके, तो 3750 3750 में भी वही लगभग 3745 की बोल रहा था उसका स्टॉप लॉस लगाए, और 3540 के नीचे और ज्यादा खराब होगा, यानी कि लगभग 100 रुपए निकल जाने के बाद चार्ट बहुत ही ज्यादा खराब होंगे ऐसा मानना है, और इस बीच हमारी टीम ये बता रही कि घरेलू फंड्स की भी हिस्सेदारी बहुत तेजी से घट रही है, दिसंबर 2020 में 15% थी और अब 8% रह गई लगातार, यानी कि 7%, और पिछले साल 11-8% आई, मतलब तो लगातार, और एफआईएस भी बिकवाली कर रहे हैं, हाई मल्टीपल वाला स्टॉक है, थोड़ी सावधानी रखें, ये यहां पर आपके लिए फिलहाल।